अल्लाह की राह में कुर्बानी का पर्व बकरीद को दो दिन शेष रह गए हैं। इस बार भी बकरा मंडियां खरीदारियों से पूरी तरह गुलजार है। यहां 8 से 90 हज़ार तक के बकरे बिक रहे हैं। आगामी 10 जुलाई को बकरीद मनाई जाएगी। इसे लेकर जिले में बकरों की मंडी लगना शुरू हो चुकी है। लोग भी अपनी क्षमता के अनुसार बकरों की खरीदारी कर रहे हैं। कई लोग दो बकरे भी एक साथ खरीद रहे हैं। बकरीद से पहले इन्हें अच्छे से खिला पिला कर इनका ख्याल रखा जाएगा, जिसके बाद इनकी कुर्बानी होगी। इसके अलावा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बकरा मंडियां कुर्बानी के बकरों से सजी हुई हैं। जिन्होंने इन्हें पाल रखा था वे इस बार भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। पूरे यूपी से आए हैं। आप क्वेश्चन करिए। हम इसमें बकरे की स्टार्टिंग छोटे बड़े वज़न के हिसाब से बिकता है। जैसे खूबसूरत बच्चे होते हैं उसका वज़न से नहीं खूबसूरती से दाम हो जाता है उसका। स्टार्टिंग इसकी 10,000 से लेकर 80,000-90,000 तक भी बकरे बिकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो इसका एवरेज लगाया जाता है वो 15 से 20-25 का एवरेज ज़्यादा रहता है। 15 से 25 का एवरेज ज़्यादा रहता है बकरों का। अब ये जो ज़्यादा महंगे बकरे बिकते हैं वो 1,000 में 1-2 बकरे निकलते हैं इस तरह के। खासियत ये है कि बच्चे में खूबसूरती भी है, बच्चा वज़न भी ज़्यादा है और उसकी नस्ल भी दूसरी है। अजमेरी नस्ल का बच्चा है। लगभग यहाँ पे 1,000 के लगभग बकरे बिक रहे होंगे। यहाँ पे ख़रीदार बेचने वाले, जैसे कि बेचने वाले आते हैं हमारे तरफ के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, हर्रैया और आपके ये इधर इस्फ़ारगंज, टांडा और जगदीशपुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, जैतपुर, ये सब इलाके के व्यापारी बेचने आते हैं। गोरखपुर और बनारस और बहराइच, बिहार, पटना, बलिया के ख़रीदार सिर्फ कुर्बानी के लिए ही आते हैं जानवर लेने। मैं दस्तगीर अहमद, सचिव।